तरीके से ये दही हंडी का ये जो कार्यक्रम हो रहा है हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है। तीन साल से जो जनसेवा की ईश्वर सेवा की तरफ से ये दही हंडी का कार्यक्रम हो रहा है। लास्ट ईयर जो है 3,33,333 रुपए इनामी राशि दी गई थी, इस साल जो इस साल उसको बढ़ाकर 5,55,555 रुपए दिया जा रहा है। क्या कहेंगे, लोगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है स्पोर्ट्स के माध्यम से? मैंने तो ऐसा दही हंडी अभी तक जिंदगी में देखा नहीं, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। लास्ट ईयर जो उन्होंने बोला था कि मनोहर भाई जो मेरा दही हंडी है आप तो उनके लिए कुछ शब्द नहीं, उन्होंने बोला भाई आप जाओ और मेरा दही हंडी संभालो। मैं तो लास्ट ईयर से, ये मेरा सेकंड ईयर है, लेकिन ऐसा मैंने किधर भी नहीं देखा। जो महेश्वर साहब ने जो किया है आज तक ये गांव के लिए भी और ये दही हंडी के लिए भी लाजवाब है, इसके तो मेरे को शब्द भी कम पड़ रहे। और एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से दीपक महेश्वरी जी की जो संस्था है वो ईद हो दिवाली हो, जिस तरीके से दही हांडी है, गणेश चतुर्थी है, हर धर्म के त्योहार को आपसी एकता और सद्भावना के साथ मनाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो ऐसा में तो मैं तो महेश्वर साहब को पहली बार यहाँ का नेता देखा ऐसा कि ईद से लेकर दिवाली तक सब उनके लिए एक समान है। जो कोलीवाड़ा का त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, या तो किसी का हल्दी हो और ईद हो, शादी हो, उनके लिए सब सही है, एक समान है। क्या ऐसा इंसान ऐसा नेतृत्व करने वाला विधानसभा में आप देखना चाहते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे लोगों का जरूरत है यहाँ। ऐसे नहीं कि मैं मुस्लिम के लिए काम करूँगा, ये तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब हो, महिला हो, सबके लिए एक ही समान काम करने वाला पहली बार मैंने ऐसा नेता देखा है, वो है दीपक महेश्वरी जी। दीपक जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो तादाद है, जो स्ट्रेंथ है वो हर साल बढ़ती जा रही है, इस बार जो है लास्ट ईयर से ग्रैंड और भव्य प्रोग्राम हुआ, इनामी राशि भी बढ़ा दी गई, क्या कहेंगे? अच्छा है, पिछले साल मेरा बाईपास हुआ था तो मैं दही हांडी में आ नहीं पाया। मनोहर जी और बाकी लोगों ने दही हांडी को संभाला है, बहुत बेखूबी से संभाला था। पिछली बार हमने करीबन 57 पदक को यहाँ पे सम्मानित किया था, इस साल अभी तक करीबन 87 पदक हो चुके हैं। मतलब ट्रॉम्बे चीता गेम के इस पट्टे में, इस आखिरी के पट्टे में यहाँ पर 87 पदक आना, मतलब कि ये हमारे गांव की एक रौनक और शान है। सर आने वाले वक्त में जो है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर किस तरीके से लोगों का ये रुझान है कि आप जो विधानसभा लड़ने वाले? अच्छा, मैंने डेफिनेटली हमारे शिवाड़े साहब से सीट की मांगनी करी है, बाकी उनका आदेश है, उनका प्यार है, अगर वो सीट देंगे तो बेखूबी से हम लड़ेंगे, लेकिन नहीं देंगे तो इसके लिए हम कभी झगड़ेंगे नहीं, लेकिन हम उनके लिए काम करेंगे। काम आगे बरकरार रहेगा इस तरह? बिल्कुल, काम ऐसी बात, जिनका आदेश है उसका पालन करना है। ये अभी साइन का 88 हो गया हमारा। सर गोविंदा पदक सुरक्षा को लेकर किस तरीके से ध्यान दिया गया है? सुरक्षा के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दो एम्बुलेंस चल रही है जो वेल इक्विप्ड है। हमारी दोनों एम्बुलेंस चेता कैंप ट्रॉम्बे पहली पड़ा गोवंडी के पट्टे में हमेशा चलती है, जो पिछले 6.5 साल से चल रही है और बेखूबी चलती रहेगी जब तक मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। ये एम्बुलेंस रुकेगी नहीं यहाँ पे। हमने स्वास्थ्य हॉस्पिटल से टाइप करके रखा हुआ है और हमारी एम्बुलेंस रेडी है, हमारे साथ में एक डॉक्टर भी है उसके अंदर, और हमारे साथ में अगर यहाँ कुछ भी घटना होती है स्वास्थ्य हॉस्पिटल हमारा एक क्लोजेस्ट हॉस्पिटल हमारे लिए है। तो विरोधों का आरोप है जिस तरीके से शिवाजी महाराज का पुतला वहाँ पर गिरा है, तो विरोधी भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें वरिष्ठ लोग जवाब देंगे, हम छोटे कार्यकर्ता है, अपना कार्य करना चाहिए। अगर विधानसभा की आपको टिकट मिलती है तो आने वाली चुनौतियों को किस तरीके से लेंगे आप? बड़े आसानी से, लोगों का प्यार है, सम्मान है जो मैंने पाया यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, लोगों की सेवा करना है, इसलिए मेरी संस्था का नाम भी जन सेवा ईश्वर सेवा है और पिछले 7 साल से जन सेवा ईश्वर सेवा हर क्षेत्र में काम करी, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, किसी का इलाज हो या फिर कोई फंक्शन हो, कोई त्यौहार हो, हर क्षेत्र में जन सेवा हमेशा हाजिर रही है। दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हो कृष्ण जन्माष्टमी की चीता कैंप ट्रॉम्बे इलाके में क्या धूम है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपकी ये जो एनजीओ है जनसेवा ईश्वर सेवा पिछले 3 साल से ट्रॉम्बे के अंदर सबसे बड़ी दही हांडी का कार्यक्रम करती आ रही, क्या कहेंगे? आज को जवाब नहीं मेरे पास में यार। दीपक जी कहीं ना कहीं जो प्राइज मनी है जो लोगों का
प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए जिस तरीके से प्राइज मनी को भी बढ़ा दिया गया 5,55,555 रुपए, क्या कहेंगे? मकसद पैसे का नहीं है, मकसद है कि ये कार्यक्रम का आयोजित करना है और लोगों के लिए एक मनोरंजन का दिन निकलता है और लोग आते हैं यहाँ पे। मकसद उससे है कि कैसे लोग आते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन आज थोड़ा डिफिकल्ट जवाब देना, सॉरी। हाँ वही नहीं, क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और इतना बड़ा और भव्य जो प्रोग्राम था वो काफी सक्सेसफुली हो गया, आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली सक्सेसफुल हुआ, इतनी सारी पब्लिक आई है, टीम भी आई है, डेफिनेटली सक्सेसफुल। आपको इस प्रोग्राम को देखकर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैम आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से जिस खूबसूरती के साथ जनसेवा ही ईश्वर सेवा पिछले 3 साल से इस फेस्टिवल को मना रहे हैं और इसके अलावा भी काफी सारे फेस्टिवल्स हैं जैसे ईद है, दिवाली है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा है, बहुत सारे पर्व को ये एनजीओ मना रहे हैं, क्या कहेंगे? दीपक भाई को बहुत सालों से जानते हैं और हमेशा वो हर एक मतलब फेस्टिवल उन्होंने सेलिब्रेट किया है और बहुत अच्छी तरह से करते हैं और ये भी कार्यक्रम बहुत अच्छे से मनोरंजन हुआ है सबका और पब्लिक भी बहुत खुश है। आप क्या कहेंगे, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आने के बाद? मैं तो फर्स्ट टाइम इधर आई तो बहुत अच्छा लगा और बहुत लोग थे इधर पब्लिक। दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा कि ये जो है इस इलाके की, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची दही हंडी थी। इसका जो प्राइज मनी था लास्ट ईयर जो 3,33,333 रुपए दिए गए थे और इस बार जो है जिस तरीके से दीपक महेश्वरी जी ने कहा कि प्राइज जो है वो पैसे के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है, लोगों के प्रोत्साहन को और दही हंडी को जिस तरीके से बढ़ावा देने के लिए इस दफा जो प्राइज मनी दी गई थी वो 5,55,555 रुपए। कहीं ना कहीं दीपक महेश्वरी जैसे लोग जो हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं और समाज में एकता का पैगाम देते हैं, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए प्रहरी न्यूज़। कैमरामैन नूर के साथ में फवाद सिंह।